बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है जी, मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। हम सबसे पहले ओपन मार्केट के मतलब बात करेंगे और मैं आपको आज स्टेट बैंक की तरफ से जो कन्फर्म रेट बताया जा रहा है वो बता रहा हूँ। मैं डॉलर की अगर बात करें तो वो भाई 278 रुपये 44 पैसे, 278 रुपये 50 पैसे के अराउंड में बोल रहे हैं। वैसे ओपन मार्केट में 280 रुपये के अराउंड में है। अगर रियाल रेट की बात करें तो वो भाई रियाल का आज का रेट 74 रुपये 19 पैसे, ये स्टेट बैंक का रेट है। और जो एजेंट लोग हैं वो 74 रुपये 10 पैसे से लेकर 74 रुपये 20-30 पैसे के अराउंड में खरीद रखे हैं, क्योंकि अगर उनसे हमारा ही कोई भाई जो उमरा पर आ रहा है, हमारी फैमिलीज़ जो यहाँ पर उमरा पर आती हैं वहीं से आपको पता है वो रियाल बाहर एजेंटों से लेते हैं, तो उनको वो 75 रुपये या हो सकता है 75 रुपये प्लस में उनको देते हैं। जारी से बता रहा बंदा भाई कमाने के लिए बैठा हुआ है, एक रियाल के पीछे कुछ पैसे कमाएं ना, 20-30-50 पैसे तक कमा लें आप, रुपये के हिसाब से मत कमाएं यार, मेरी ये रिक्वेस्ट है। बहरहाल अगर हम इसके आगे बात करते हैं, मैं आपको शॉर्ट सा ये भी बता दूं जी, ओमानी रियाल आज का 723 रुपये, कुवैती दिनार 911 रुपये एंड कतरी रियाल 76 रुपये 35 पैसे, ठीक है, सुन लिए जी आपने। और अगर अमराती दरहम की बात करें 75 रुपये 80 पैसे और बहरीनी दिनार 738 रुपये का, ये मैंने आपको जितने भी गुल्फ कंट्रीज है सबके तकरीबन रेट बता दिए। दुबई का मेरे हिसाब से सबसे डाउन दुबई है जी, दुबई से ऊपर फिर आपको बताया ये सऊदी है सबसे डाउन, सऊदीया से ऊपर फिर दुबई है, फिर कतरी रियाल, बागी तो भाई फिर चलांगी बहुत लंबी है लेकिन वहाँ पर काम इतना नहीं है, क्योंकि मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस आते हैं भाई, मैं सऊदीया से डीपोर्ट होकर के गया था, मैं भी ओमान में हूँ, मैं मस्कत में हूँ, मैं फलां शहर में हूँ, तो यार यहाँ से भाई इतना काम नहीं है। हाँ, कुवैत को छोड़ दें, कुवैत में माशाल्लाह दिहाड़ी वगैरह लोगों की अच्छी लग जाती है, लेकिन रूल बहुत सख्त है। मैं आपको बता दूँ, अगर आपका आप या आपका कोई दोस्त भाई अहबाब सऊदी अरेबिया या दुबई वगैरह कहीं से भी डीपोर्ट होकर चला गया है, या वो भाई छुट्टी गया वापस नहीं आया तो दोबारा अभी आना चाहता है, तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिखा रहा हूँ, आप इसके ऊपर रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आज के मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से अगर रेट के मतलब बात करें तो वैसे इंडिया का 22 रुपये 36 पैसे आज का रेट रहा जी। इसमें मनीग्राम का आज का जो रेट है वो 73 रुपये 33 पैसे रहा। मनीग्राम का आपको रेट बता रहा हूँ मैं 10-17-23 सेल्फीज के साथ। इंजाज बैंक, बैंक कल बिलाद की बात करें तो 73 रुपये 30 पैसे इनका आज का रेट रखा 10-17-23 सेल्फीज के साथ। वेस्टर्न यूनियन की भाई बात करें तो वेस्टर्न यूनियन आज का रेट 73 रुपये 47 पैसे और 10-17-23 सेल्फीज है। अगर बात करें तहवीर राजी बैंक की तो इनका भाई आज का रेट 73 रुपये 37 पैसे, बहुत अच्छा रेट दे रहा है तहवीर राजी भी और 10-17-23 सेल्फीज के साथ। मैंने थंबनेल में एक चीज़ लिखी कि रियाल का रेट क्या 84-85 तक जाएगा, तो देखें जो सूरत हाल मुझे लगता है आने वाले दिनों में रियाल में इजाफा देखने को मिलेगा। बाकी तमाम गैर मुल्की अगर आपके घर में ज़रूरत है तो भाई भेज दें, अगर इजाफी हैं तो यहाँ पर भी आप सेव कर सकते हैं, आपको आने वाले वक्त में फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये फर्म बात है। आगे अगर बात करें एसटीसी पे की तो भाई इनका आज का 73 रुपये 41 पैसे रहा और 10-17-23 फीस होती है इनके भी। बैंक जजीरा यानी कि फौरी बैंक की बात करें तो इनका आज का 73 रुपये 45 पैसे 10-17-23 फीस के साथ। अगर एएनबी बैंक टेलीमनी की बात करें तो 73 रुपये 37 पैसे रेट। हम अगर क्विक पे की बात कर लें जो कि 73 रुपये 42 पैसे, अच्छा रेट दे रहा है क्विक पे भी। और अगर फ्रेंडली साहब भेजना चाहते हैं तो फ्रेंडली का आज का रेट 73 रुपये 35 पैसे रहा और 10-17-23 रियाल भाई इनकी भी फीस होती है। वैसे मैंने मोबाइली पे इसमें ऐड नहीं किया है, मोबाइली पे का भी आप 73-30-40 के अराउंड में रेट यही हिसाब लगा लें।